विनीत, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, मैं मानता हूँ कि अनुराग सर के साथ मैंने ज़्यादातर फिल्में की हैं और मैं उनको अपना गॉड फादर भी मानता हूँ, बट वो मेरे कज़िन हैं और जब मैं लाइक यू नो उनको अप्रोच कर रहा था तो उनको अप्रोच करना इतना ईजी था नहीं, क्योंकि वो रिलेटिव्स को अवॉइड करते हैं, राइट? तो इसलिए पहले मैंने शो रील बनाया, उसके बाद मैंने अनुराग सर को अप्रोच किया, राइट? सो थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे। सी, अनुराग सर के पहली चीज, मतलब इस सवाल को दो पार्ट में मैं जवाब देना चाहूँगा। अनुराग सर के साथ ही फिल्में की हैं वो, इसलिए कहीं और मिलती नहीं, और ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं मतलब कोई भी बुलाता है मैं जाता हूँ, ऑडिशन देता हूँ, भाई इतना सब कुछ छोड़ के आया हूँ तो काम करने के लिए ही आया हूँ, तो बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। लेकिन एक्टर की ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं है तो कितना रियाज करूं और क्या क्या करूं, तो कोशिश रही कि बाहर काम करूं, और जब जब मौका मिला मैंने किया। आप पहले उठा के देखेंगे तो मतलब सब किया है टेलीविज़न में, मतलब मैं भूत बना हूं और पुलिस वाला बना हूं, हम इमरान हाशमी के डैडी को, हाँ वो भी बना हूं, और बहुत सारी फिल्मों में मतलब मैं डुप्लीकेट हूं बड़े कई सारे एक्टर्स का। एक दिन का काम करा लो, आधे शिफ्ट का काम करा लो, मतलब ये उम्मीद थी कि काम से काम मिलता है तो कुछ मिल जाएगा, चलता गया। तो बहुत कुछ किया, भोजपुरी सीरियल भी किया है, मराठी फिल्म भी की है, बांग्ला फिल्म भी की है, पता नहीं खोज रहा था और कोई कुछ और तरीका मुझे आता नहीं था। अब अनुराग सर के पास, अनुराग सर को बिल्कुल मैं जानता था और मेरे भाई हैं, लेकिन मैं आया नहीं इनके पास इसलिए क्योंकि जब मैं 1999-2000 में आया था तो मैं जा सकता था लेकिन गया नहीं। उसकी वजह बता रहा हूँ कि ये जैसे ही आप इनके पास जाएंगे और बताएंगे कि अंकल ने भेजा है, हाँ, और ये चिट्ठी है या फ़ोन पे बात कर लीजिए, तो बस ये समझ लीजिए कि बस उसी दिन आपको ये भगा देते हैं। और ऐसे भगाए गए लोगों को मैं जानता हूँ जो बनारस में हैं, तो मुझे उस श्रेणी में शामिल नहीं होना था। अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं था, कोई पूछता था कुछ किया है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था कि मैं क्या बोलूँ। और जो चीज़ें की हैं वो अनऑफिशियली की हैं, और जो एक फ़िल्म की थी पिता वो फ्लॉप हो गई थी, तो जब बताता था तो कोई देखा नहीं था। तो मेरे पास बस ये था कि अब काम पाओ और वही दिखाओ, तो वो एक काम के इंतज़ार में मैं था कि एक अच्छा सा कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसे मैं अनुराग सर को दिखा सकूं। तो वो काम मिलने में मुझे 10 साल लग गया, और जब वो हुआ तो सबसे पहले मैं अनुराग सर के पास गया, और वो फिल्म थी सिटी ऑफ गोल्ड और लालबाग पुरल, बाइलिंगुअल फिल्म थी। जब मैं गया तो सर बिल्कुल सरप्राइज थे कि विनीत तुम 10 साल से यहाँ हो, आए क्यों नहीं? तो बस यही चीज़ मैंने उनको भी बताई तो हंसने लगे, बोले हाँ बात तो सही है। और लकीली उस समय गैंग्स ऑफ वसीपुर की, मतलब मेरा टाइम अच्छा था, वसीपुर की कास्टिंग हो रही थी और दानिश खान का मुझे किरदार मिला।